नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूके वीडियो वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टिहरी नट से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। क्यों टिहरी नट इतनी खास है और ऐसी क्या बात है टिहरी नट में कि सारी जो महिलाएं हैं वो अपने ज्वेलरी कलेक्शन में जो है इसको शामिल करना चाहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, आपने देखा होगा जब एक गढ़वाली जो दुल्हन है वो सज धज कर तैयार होती है तो लोग जो होते हैं, जो शादी में आए हुए मेहमान होते हैं, वो दुल्हन के साथ साथ किस चीज को सबसे पहले देखते हैं? उनकी नजरें टिकी होती हैं दुल्हन के द्वारा पहनी गई नथ पे। और अगर ये नथ टिहरी नथ है तो फिर तो क्या ही कहने। टिहरी नथ जो है उसको नथुली के नाम से भी जो है जाना जाता है। एक गढ़वाली लोकगीत है जिसमें टिहरी नथ के बारे में जो है कहा गया है, उसका बखान किया गया है। उसके बोल कुछ इस तरह से हैं, ओ गैलिया मेरा मीकू नथुली बने दे, नथुली पर टिहरी की गड़ई गड़े। इसका मतलब है कि एक पत्नी जो है वो अपने पति से कह रही है कि हे मेरे पति देव, मेरे लिए नथ बनवा दो और उस नथ पे जो है टिहरी के डिजाइन को गड़वा दो। मतलब एक गाने के बोल में भी जो है टिहरी नथ का उल्लेख किया गया है कि मतलब इस तरह की नथ जो है आप मेरे लिए बनवाओ। तो इसी से आप लगा सकते हैं कि वहां पर जो है इस नथ को लेकर महिलाओं के बीच में क्या क्रेज। अब इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड में जो लोक संस्कृति के रंग बिखेरने वाली ये टिहरी नथ है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। वैसे तो दुल्हन के 16 श्रृंगार होते हैं और दुल्हन को सजाने में हर एक आभूषण का जो है अपना अलग ही स्थान होता है, लेकिन नथ जो है नाक में पहने जाने वाला एक ऐसा आभूषण है जो दुल्हन के 7 श्रृंगार को संपूर्ण बनाता है, साथ ही उसकी जो खूबसूरती है उसको कई गुना बढ़ा देता है। हर एक क्षेत्र, हर एक स्थान के हिसाब से जो है नथ के डिजाइन आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं, तो हर एक जगह जो है नथ पहनने का विशेष महत्व है। न सिर्फ शादी ब्याह में बल्कि घर में होने वाला कोई भी जो शुभ समारोह होता है, कोई भी पारिवारिक समारोह है, तो वहाँ पर घर की जो महिलाएं होती हैं वो नथ पहनने को तरजीह देती हैं। गढ़वाली महिलाएं अधिकतर टिहरी की नथ को अपने नाक पे सजाना पसंद करती हैं। जी हाँ, जो टिहरी नथ अपने अनोखे डिजाइन और सुंदर कारीगरी के लिए न केवल उत्तराखंड में बल्कि देश के कई अन्य इलाकों में भी काफी पॉपुलर है। और ऐसा नहीं है कि टिहरी नथ को सिर्फ जो बुजुर्ग हैं या फिर जो बड़ी एज की महिलाएं हैं वही पहनना पसंद करती हैं। टिहरी नथ जो है आज के जो मॉडर्न जमाने की जो लड़कियां हैं उनके द्वारा भी काफ़ी पसंद की जाती है। आलम तो ये है कि घर में शादी है तो लड़की जो है घर वालों से टिहरी के जो डिज़ाइन की नथ है उसकी फरमाइश करती हैं, और कुछ लड़कियाँ तो इस नथ को लेकर इतनी उत्सुक रहती हैं इसे पहनने को लेकर कि वो अपने घर में ये तक कह देती हैं कि सिर्फ टिहरी नथ की वजह से शादी कर रही हूँ, नहीं तो मैं शादी नहीं करती। और कई सारी लड़कियां ये तक अपने घर वालों को कहती हुई नजर आती हैं कि अगर मेरे लिए टिहरी नथ बनवाओगे तो ही मैं शादी करूंगी। खैर, ये तो बात हुई हंसी मजाक की, लेकिन सच में टिहरी नथ का जो क्रेज है ना वो आपको हर एक एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनमें देखने को मिल जाएगा। टिहरी नथ जो है वो गढ़वाली महिलाओं का एक मुख्य आकर्षण है। वो कैसे है ये आपको बताते हैं। टिहरी नथ या जिसे नथुली के नाम से हम जानते हैं, गढ़वाली महिलाओं का एक बेहद प्रमुख आभूषण है जो अपनी सुरुचिपूर्ण शैली के लिए जाना जाता है। नाक में इसे पहना जाता है और इस नथ को सोने और मोती से जो है तैयार किया जाता है। इस आभूषण को चांद के आकार में बेहद खूबसूरती से ढाला जाता है। टिहरी नथ गढ़वाल की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला एक बेहद प्रसिद्ध आभूषण है और अपने कलात्मक मूल्य के लिए ये पूरे उत्तराखंड में बहुत पॉपुलर है। टिहरी नथ की दीवानगी ऐसी है कि लोग इस बेहद सुंदर नथ को निहारने के लिए उत्सुक नजर आते हैं। आप इसकी प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ गढ़वाली महिलाएं नहीं बल्कि जो गैर गढ़वाली महिलाएं हैं वो भी आजकल इसको पहनना पसंद कर रही हैं और टिहरी नथ अपने लिए बनवाती हैं। अब आपको बताते हैं टिहरी नथ का महत्व क्या है। उत्तराखंड के जो लोग हैं वो अपनी संस्कृति से काफी जुड़े होते हैं, अपनी संस्कृति की जो गहराई है उसमें वे निहित हैं, और टिहरी नथ जो है कहीं ना कहीं उत्तराखंड की एक समृद्ध संस्कृति को दर्शाती है। टिहरी नथ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसको ग्रामीण महिलाओं के साथ साथ शहरी महिलाएं भी पहनना जो है पसंद करती हैं। हर एक तबके की महिलाओं के द्वारा ये पसंद किया जाता है और सभी महिलाएं जो है इस नथ को पहनने के लिए बहुत आतुर नजर आती हैं। और हो भी क्यों ना,
ये एक ऐसा आभूषण है जिसे पहनते ही महिला की जो सुंदरता है वो चार गुना बढ़ जाती है। इसकी जो सुंदर शैली है, इसका जो डिजाइन है, वो इसे स्वतः ही आकर्षण का केंद्र बना देता है। ये एक पारंपरिक आभूषण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चला आ रहा है। पहले की महिलाएं भी इसे पहनना पसंद करती थी और आज की महिलाओं की अगर बात करें तो वो भी पहनना इसे पसंद करती हैं। उनमें भी उतना ही क्रेज है जितना पहले की महिलाओं में इसे पहनने को लेकर हुआ करता था। हालांकि अगर हम डिजाइन की बात करें तो उसमें काफी चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। आज टिहरी नथ के आपको बाजार में 50 से भी ज्यादा डिजाइन देखने को मिल जाएंगे और आजकल कई लड़के अपने हिसाब से जो है नथ को जो डिजाइन है टिहरी नथ का वो कस्टमाइज करवा लेती हैं। तो मतलब इससे क्या होता है कि वो अपने हिसाब से अपने लुक को भी रेडी कर लेती हैं और साथ ही जो है कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से भी जो है वो जुड़ाव महसूस करती हैं, इसलिए वो उसमें एक टिहरी वाली जो नथ है उसका टच भी देना चाहती हैं, साथ ही उसे एक मॉडर्न लुक भी देना चाहती हैं और उसको अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज करा लेती हैं। तो इस तरह बाजार में जो है कई तरह के डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो नथ है यानी टिहरी नथ जो है उसको विवाह का एक स्मृति चिन्ह के तौर पर जो है माना जाता है। टिहरी नथ बहुमूल्य आभूषणों में से एक है। टिहरी नथ उत्तराखंड के बहुमूल्य आभूषणों में से एक है जिसको शादी में, सामाजिक समारोह है कोई, पूजा है कोई, घर पे कोई पारिवारिक कार्य है, नामकरण संस्कार है या फिर कोई भी अन्य शुभ अवसर है तो घर की महिलाएँ जो हैं नथ को पहनना पसंद करती हैं। पहले के समय में क्या होता था कि जो एक नथ का वजन होता था और उसमें जो सुशोभित मोतियों की संख्या है उसके आधार पर दुल्हन का जो परिवार है उसकी आर्थिक स्थिति का जो है आकलन किया जाता था। मतलब ऐसा माना जाता था कि परिवार जितना ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत होगा उतनी ही बड़ी और भारी जो है उस परिवार की बेटी की नथ होगी। हालांकि आज के समय में आपको ये जो सिचुएशन है वो कम ही देखने को मिलेगी क्योंकि आज की जो महिलाएं हैं वो अपने लिए अपने हिसाब से जो है नथ का डिज़ाइन बनवाना चाहती हैं जैसा उन्हें पसंद आता है, जिसमें वो खूबसूरत भी लगें और साथ ही कंफर्टेबल भी रहें। टिहरी नथ न केवल गढ़वाल की समृद्ध संस्कृति को दर्शाता है बल्कि ये अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी अनोखी कारीगरी के लिए भी जो है जाना जाता है। शादी में आजकल जो है ना टिहरी नथ को पहनना एक फैशन ट्रेंड सा बन गया है। शादी ब्याह हो या फिर कोई अन्य शुभ अवसर हो तो गढ़वाली महिलाएं तो अपने पारंपरिक परिधानों में सजती हैं तो फिर नथ को तो ज़रूर पहन। अब बात करते हैं कि टिहरी की नथ बाकी अन्य नथों की तुलना में अलग कैसे है, क्योंकि नथ तो बहुत सारी होती हैं। उत्तराखंड में भी आपको बहुत सारे डिज़ाइन की अलग अलग तरह की नथ जो हैं एरियाज के हिसाब से देखने को मिल जाएंगी, लेकिन टिहरी नथ में ऐसा क्या खास है कि वो इतनी पॉपुलर है। आज के मॉडर्न जमाने में जो है आप टिहरी नथ के डिज़ाइन में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। दुल्हनों के टेस्ट के अनुसार जो है टिहरी नथ के आकार में भी काफ़ी बदलाव आया है। कोई जो दुल्हन होती है वो बड़ी नथ पहनना पसंद करती है और कोई होती है कि वो छोटी नथ को पहनना जो है ज़्यादा पसंद करती हैं। तो आधुनिक डिज़ाइन मांग में तो हैं लेकिन पारंपरिक नथ जो है ना उसका एक अपना अलग ही स्थान है क्योंकि वो बहुत सुंदर भी दिखती है और साथ ही उसमें गढ़वाली संस्कृति का स्पर्श भी जुड़ा रहता है। अब बदलते युग में आपको बहुत सारे डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, जैसे किसी में आपको फ्लोरल डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, किसी में आपको मोर का डिज़ाइन देखने को मिलेगा या नेचर से जुड़े हुए अलग अलग तरह की जो कलाकृतियाँ हैं वो देखने को आपको मिल जाएंगी और सोने की झालर या जो मोतियों की लड़ी होती है उससे भी इसको जो है बनाया जाता है। और इसे अगर हम बात करें पारंपरिक डिज़ाइन वाली टिहरी नथ की तो उसमें जो है पहले जो टिहरी नथ होती थी पारंपरिक डिज़ाइन वाली उसमें सोने और लाल मणियों के अलावा लाल कुंदन और सफ़ेद रंग के मोतियों का भी इस्तेमाल किया जाता था जिस वजह से ये बहुत आकर्षक लगती थी। हालांकि आज के समय में आप देखेंगे कि काफ़ी बदलाव आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि पारंपरिक नथ आपको नहीं मिलेगी, वो भी आपको मिलेगी, बस आपको जिस तरह का डिज़ाइन पसंद होगा उसके अनुसार जो है आप मतलब उसमें चेंजेस करवा सकते हैं। अगर आपको पारंपरिक नथ ही चाहिए, आप उसी को पहनना पसंद करते हैं तो फिर आप अपने लिए पारंपरिक नथ भी जो है ले सकते हैं, उसको बनवा सकते हैं। गढ़वाली लोगों में ये एक परंपरा है कि दुल्हन के जो मामा होते हैं वो उसको शादी के दिन जो है भेंट के रूप में जो है नथ को देते हैं। मतलब दुल्हन के लिए नथ जो है उसके मामा पक्ष की ओर से ही भेंट स्वरूप दी जाती है और गणेश पूजा जब होती है, जब दुल्हन को बाकी अन्य आभूषणों से भी सजाया जाता है उसी समय उसे नथ भी जो है पहनाई जाती है। फेरों के समय भी दुल्हन जो है अपने सारे आभूषण जब पहनती है तो नथ को भी जो है पहनती है और अग्नि के सामने जो है दोनों दूल्हा और दुल्हन जो है वचन लेते हैं। जो नथ है वो सिर्फ एक आभूषण नहीं है बल्कि वो विवाहित स्त्री के सुहाग का एक प्रतीक माना जाता है।
तो इसी वजह से हर एक जो विवाहित महिला होती है उसको उसकी नथ जो होती है वो बेहद प्रिय होती है, और हर खास मौके पर पहाड़ में जो है नथ पहनने का रिवाज होता है। कोई भी काम होता है, शुभ काम है, तो नथ जो है वहाँ की महिलाएं ज़रूर पहनती हैं। तो टिहरी की नथ मात्र एक आभूषण नहीं है बल्कि नारीत्व का एहसास कराने वाला और दुनिया भर में उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बिखेरने वाला एक बेहद सुंदर आभूषण है। तो आप भी ना इस नथ को ज़रूर अपने ज्वेलरी कलेक्शन में शामिल कर लीजिए और फिर देखिए आप किसी भी फंक्शन में जो है सबसे अलग और सबसे खूबसूरत दिखेंगे। तो दोस्तों ये थी टिहरी नथ से जुड़ी जानकारी। अगर आपके पास भी टिहरी नथ से जुड़ी कुछ जानकारी है तो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिए, और इसके अलावा अगर आप इस नथ के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए, और साथ ही हमारे चैनल यूके वीडियो वर्ल्ड को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।